हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस नाइन जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस सिक्स जेड प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। और इससे हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। तो देखो, मैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वन चाहिएगा। उसके बाद फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वन, ठीक है। और फिर आएगा नाइन जेड स्क्वायर माइनस सिक्स जेड, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वन। तो ये बन गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर और थ्री जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये देखो, ये भी जीरो जीरो से बड़ा, ये भी जीरो जीरो से बड़ा, ये भी जीरो जीरो से बड़ा। तो ये पॉसिबल कब होगा? जब एक्स माइनस वन भी जीरो, टू वाई माइनस वन भी जीरो और थ्री जेड माइनस वन भी जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? वन। y की वैल्यू 1 बाई टू और z की वैल्यू 1 बाई थ्री। हमसे किसकी वैल्यू पूछी? x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। तो 1 प्लस 1 बाई टू प्लस 1 बाई थ्री, तो ये आ जाएगा 11 बाई सिक्स। कितना जाएगा? 11 बाई सिक्स। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर टू। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन।